बीते 25 जुलाई को भारत को अपनी पहली आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति मिली। ये एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ क्योंकि 75 साल आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय को अपना एक प्रतिनिधित्व सबसे भारत के सर्वोच्च पद पर हुआ। और जो 8 करोड़ की आदिवासी जनसंख्या है उसका रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पर हुआ जो आज तक कभी देखा नहीं गया था। एज मच एज दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, ये हमें सोचने की जरूरत है कि आज भी आदिवासी समुदाय को अपने स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जल, जंगल और जमीन की लड़ाई भी आदिवासी दिन प्रतिदिन लड़ता है। अभी क्यों होता है ये समझने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती हैं वो एक एक्सक्लूजनरी लेवल पर काम करती हैं टुवर्ड्स द आदिवासी कम्युनिटी। इस पर हम और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र मीना एंड मिस नंदिनी सुंदर। मैम, हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आई वॉन्ट टू नो हाउ इज द आदिवासी कम्युनिटी सीइंग द्रौपदी मुर्मू बिकमिंग द प्रेजिडेंट एंड इज इट गोइंग टू बी जस्ट सिम्बॉलिक और इज द आदिवासी कम्युनिटी एक्सपेक्टिंग मच मोर? मुझे लगता है कि आदिवासी समाज खुश तो है कि एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब प्रेसिडेंट बनी है, और यह सबके लिए गर्व की बात है। सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, पर पूरे इंडिया को गर्व होना चाहिए कि हमारा हमारी प्रेसिडेंट एक आदिवासी महिला है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ, लोग को नहीं लगता है कि इससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है उनके जीवन में या उनके आर्थिक सिचुएशन पर, या उनके जो भी सवाल है जिससे वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर रही है, और जो जहां तक मीडिया में आया है कि उन्होंने 2 बिल वापस किए थे, CNTA और SPTA, जो आदिवासी लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, बट देवर अदर बिल्स दैट शी एक्सेप्टेड, लाइक द चेंजेस टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल विच क्रिमिनलाइजेस कन्वर्जन। तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है एज गवर्नर हैज बीन मिक्स्ड, तो कुछ आदिवासियों के पक्ष में, कुछ आदिवासियों के खिलाफ। तो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ जाएं। द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज इवेंचुअली अल्टीमेटली बाउंड बाय द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दे हैव टू, यू नो, एट मोस्ट दे कैन होल्ड अप अ बिल। द प्रेसिडेंट इज चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, सो इन दैट कैपेसिटी दे हैव सम पावर, यू नो, दे हैव सम पावर्स, बट इट सीम्स टू मी वेरी अनलाइकली दैट शी विल बी एबल टू रियली मेक सब्सटेंटिव डिफरेंस अनलेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज, विच इज नॉट लाइकली, बिकॉज The policies of this government are bound up with using natural resources to benefit a few industrialists, and that is the bottom line for this government. मैम, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, मेजर चेंज आदिवासियों के लिए या किसी भी समुदाय के लिए नहीं आ सकता। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत रिसेंट चेंज आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 में, कि जिसमें अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आदिवासी लैंड क्लियर करवा सकती है बिना आदिवासी से एक्चुअली कंसल्ट किए। तो इसका मैं प्रोफेसर जितेंद्र मीना आपसे जानना चाहूंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कम्युनिटी पे, एंड फिर आदिवासी कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022 का जो है अभी आया है, और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसमें चेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक जो कोयसा एक्ट जो लागू हो रहा था, कोयसा एक्ट 1996, उसके तहत प्रोविजन थे
और शेड्यूल फिफ्थ में भी ये कुछ प्रोविजंस थे जिसके तहत ये था कि ग्राम सभाओं की परमिशन जो है वो मस्ट होती थी किसी भी तरीके के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, या जो नॉन ट्राइबल्स हैं जो उस एरिया से बिलोंग नहीं करते, आउटसाइड वर्ल्ड से हैं, तो उनकी एंट्री के लिए भी ग्राम सभाओं की परमिशन रिक्वायर्ड थी। लेकिन पिछले सालों में हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, खास करके 90s के बाद से ही ये होता रहा है कि लॉज को जो है बाईपास करके सरकारें ये काम करती रही। अब इन्होंने एक नई स्टेज में जाकर के काम जो किया है वो ये है कि इन्होंने लॉ को ही बदल दिया है कि आपको वो रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। अब ऐसे में एक जो थोड़ा सा बैरिकेडिंग या ट्राइबल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, खास करके जो लैंड और रिसोर्सेज के जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक बैरिकेड हुआ करता था उनके पास, जो एक सेफ गार्ड था, वो सेफ गार्ड भी अब मोदी सरकार ने हटा लिया है। आज से पहले, इस कंजर्वेशन एक्ट से आने से पहले, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि हसदेव के भीतर, छत्तीसगढ़ में हसदेव में, अडानी को जब से माइनिंग का प्रोजेक्ट मिला हसदेव के जंगलों को काटने के लिए, वहां से जो है उनको बिजली का जो प्रोजेक्ट मिला, उसमें हुआ ये कि बड़े पैमाने पर फर्जी ग्राम सभाएं उन्होंने बनाई, नई ग्राम सभाएं उन्होंने क्रिएट की अपने तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन को बेनिफिट दे सकती थी। इवन कई ग्राम सभाएं ऐसी थी, कई कैंडिडेट्स ऐसे उसमें फर्जी क्रिएट किए गए जो कि जिनकी डेथ उस पर्टिकुलर मीटिंग से पहले हो चुकी है। 2015-16-17 में जो लोग मर चुके थे उनके नाम पर 2019 और 20 में ग्राम सभाएं बनाई गई, उनके सिग्नेचर कराए गए। ये सारा कुछ एक फर्जीवाड़ा लगातार चलता आ रहा है और ये बड़े लंबे समय से आ रहा है। मोदी सरकार ने जैसे ही ये काम किया है तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्सरसाइज थी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये जो बड़ा जो लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज फेस करनी पड़ रही थी, उसका अब वो सब एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, जिसके जरिए अब एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर आदिवासियों को बेदखल कर सकेगा आसानी से, जहां वो पिछले हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, उनकी जमीनों को जो उनकी अपनी खुद की संपत्ति है उसको अब उनसे छीन करके बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको दे सकेगा, और यही इसका बड़ा चेंजेस हम लोगों को देखने को। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि आदिवासी समाज भी इस बात को जान रहा है कि जो सरकारें जो है वो चाहे जिस पार्टी की भी हो, जिस स्टेट का मामला हो, चाहे सेंटर का मसला हो, उन तमाम सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, वो आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे। ऐसे में ये जहन में उनके में जब मौजूद है तो उनका भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो लोग भी अब धीरे धीरे इस तरीके के लॉज में जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसके खिलाफ में अपने आप को मोबिलाइज करें। जी हाँ जी सर, सर इसमें आप एक्सपैंड कर पाएंगे कि जो अभी अगर हम ट्राइबल वेबसाइट की, एसटी वेबसाइट की अगर हम माने तो उनके अनुसार अर्बन आदिवासी जो है वो अराउंड 47% गरीबी रेखा से नीचे है, देन जो ग्रामीण आदिवासी पॉपुलेशन है वो 33% गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसमें भी क्या सरकार का फेलियर है ये कि एक पूरे समाज को, हम इतने बड़े हिस्से को हम अभी तक गरीबी रेखा से बाहर नहीं ला पाए? अरमान, सिर्फ इतना ही मसला नहीं है कि सिर्फ गरीबी, पॉवर्टी तो एक बहुत छोटा मामला है आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में। आदिवासियों की प्रॉब्लम्स गरीबी से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक लास्ट 75 ईयर्स में टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन, आपने जो फिगर बताया था 8 करोड़, तो वो ज्यादा है, लगभग 12 करोड़ की आबादी है, क्योंकि 8.5% आबादी आज की तारीख में, 140 करोड़ टोटल है, तो उसका लगभग 12 करोड़ के आसपास बैठता है आबादी। उस 12 करोड़ आबादी का लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जो ये जो डेवलपमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे उनसे, उनकी वजहों से जो है अब तक अपनी जगह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर के बसाया या अपने लैंड से उसको विस्थापित कर दिया गया। दूसरी चीज आप देखिए कि जो पॉवर्टी है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि उनका लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, उनके भीतर बीमारियों से लेकर के कुपोषण से लेकर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से, आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का पिछले पिछले से पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आदिवासी महिला एक सामान्य वर्ग की महिला से 7 साल कम जिंदा रहती। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ कि कोई भी जो सामान्य वर्ग की महिला है उससे आदिवासी महिला औसतन रूप में 7 साल कम जिंदा रहती। कोई भी पुरुष अगर हम लोग देखें तो सामान्य वर्ग के पुरुष से 5 साल के लगभग 5 साल जो है कम जिंदा रहता। इसका मतलब ये है बहुत क्लियर कट
कि भाई सरकार जो है लास्ट 75 ईयर्स में अक्रॉस पार्टी लाइन वो आदिवासियों के मसले पे कंप्लीटली फेल्योर रहा, कंप्लीट फेल्योर है। आप अंदाजा लगाइए कि 1864-65 में जब फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जब बन करके आई थी, उस दौर में ये कहा जा रहा था, उस दौर का डेटा ये शो करता अंग्रेजी हुकूमत का कि लगभग 50% जो लैंड थी वो ट्राइबल्स के कंट्रोल में। 1927 के आसपास हम लोग देखते हैं वो डेटा घट करके लैंड की ओनरशिप अराउंड 35% पर आ जाता है, और 1980 तक आते आते वो 21% बच जाती है, और उसके बाद का तो डेटा हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनके रिसोर्सेज लगातार छीना गया, और उस छीनने का नतीजा ये हुआ वो डेवलपमेंट के नाम पर कि बड़े बांध बनाने, बड़ी चौड़ी सड़कें बनानी है, किसी को कुछ और बड़ा सारा वहां पर एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरीके की चीजें बनानी, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स वहां लगाने, वहां से माइनिंग करनी, वहां से मुनाफा कमाना। उस मुनाफे की कीमत लगातार आदिवासी समाज चुका रहा है, और गरीबी उसका एक एक छोटा सा जो है रूप आप कह सकती है कि जितना ये सब प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी वजह से जो पनपी हुई एक समस्या में से एक, बल्कि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत सारी आदिवासी दुनिया जी। अरमान मैम, आपका एजुकेशन से जुड़ाव रहा है, इसमें आप कैन यू एलैबोरेट मोर ऑन हाउ द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की गई थी 1945 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसका अगर हम फिगर्स, मेरे पास कुछ डेटा है, 2,871 करोड़ रुपीज ऑफ दैट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हैज बीन विदहेल्ड by the NDA government, and even in the National Overseas Scholarship, हर साल हम देखते हैं कि ST students की representation घटती जा रही है. How do you see this, and government का इसमें क्या role रहा है? Could you please elaborate? This question that you've raised of post-matric scholarships is very important, and overall there has been problem for students getting scholarships, and you know the whole admission process is becoming more difficult now with this CUET, which is again one more exam that students will have to pass to get into college. So given that students are coming from such different places where it may not be convenient to get a center and all of that, that's maybe going to see further decline in students from very remote regions coming in to the universities, central universities. The problem starts actually at the school level, because recently there has been a decision to shut down single teacher schools or small schools in remote areas and to move them to, you know, more centralized clusters. So this will hugely affect Adivasi areas, because, you know, the villages are very scattered. So for small children to go, like, you know, 10 kilometers away to a school, there's no bus, there's no nothing, it's not going to happen, right? So you're actually attacking education at its very root. So instead of concentrating on putting in more resources into education, having education in the local mother tongue. I mean, the NEP says mother tongue education will be promoted, but at the same time, there's a very strong emphasis on homogeneity, Hindi, you know, imposition of certain textbooks and so on. So I think that, you know, we have to start by looking at what's happening to school education among Adivasis, and that's not a very promising sign. Ma'am, is this an attempt by the government to actually stop Adivasi students or students coming from marginalized backgrounds to actually even dream of reaching higher educational institutions and, you know, getting their education in a proper manner? See, for many years in Delhi University, I've been seeing that, I mean, we noticed that all the ST seats are usually filled by students from the Northeast, or maybe some students from Rajasthan or from Jharkhand. But, you know, there's very little representation from other Adivasi areas in India. And this has always been a problem. And I don't see that it's really getting any better
सोन। थैंक यू मैम। सर आपने एक पॉइंट रेज किया था, मैं उस पे वापस आना चाहूंगा। प्रोफेसर जितेंद्र जी, आपने कैपिटलिज्म की बात करी कि चाहे कोई सरकार हो, वो कंट्रोल आखिर में क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास ही जाता है, एंड उसका जो एंड सफरर्स होते हैं वो आदिवासी समाज को अपना जमीन खाली करनी पड़ती है और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सर इस पे आप प्लीज कुड यू एलैबोरेट ऑन दिस? इसको ऐसे समझिए अरमान कि लैंड की ओनरशिप पर जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आदिवासियों के एग्जिस्टेंस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना लैंड के वो एग्जिस्ट कर पाए, क्योंकि बिना लैंड के उनकी कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जब कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी बहुत सारी टोटम कस्टम से लेकर तमाम तरीके की चीजें खत्म हो जाए। तो उसको जैसे आप दूर लेकर कहेंगे, उस जमीन से उसको दूर जैसे करेंगे आप, उसके एग्जिस्टेंस पे ही जो है सवाल निशान लग जाए, वो खुद भी सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लगातार हो ये रहा है कि उसको लैंड को लगातार, क्योंकि पूरा हिस्सा देख लीजिए आप, पूरे देश में देख लीजिए या दुनिया में लेवल पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा उन्हीं हिस्सों में जंगल है, उन्हीं हिस्सों में ज्यादा रिसोर्सेज हैं जहां पर आदिवासी रह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बड़े लंबे समय से अपने रिसोर्सेज को, लैंड को और उसके ऊपर बाकी के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी इस तरीके से था, मैं कहीं पढ़ रहा था, स्टोरी ये था कि कोई एक आदिवासी आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक पेड़ को पड़े हुए देखा, वहां कुछ एक पत्थर थे, चमकीले पत्थर। उसको लगा कि कुछ होगा, वो उठा करके ले आया, अपने घर लेकर के रख लिया। सडनली उसने देखा कि उस रात में अचानक से कहीं से शेर के दहाड़ने की आवाजें आनी शुरू हुई। गांव वाले इकट्ठा हुए कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि शेर आज क्यों दहाड़ रहा है, क्या मसला है। सब लोगों ने चर्चा की तो ये तय किया गया कि उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वहां से उस पर्टिकुलर जगह से कुछ पत्थर के टुकड़े जो चमक रहे थे, मैं उसको उठा करके ले आया था और शायद हो सकता है ये उसकी वजह से दहाड़ रहा। तो सबने तय किया कि नहीं, ये वापस ये पत्थर के जो टुकड़े हैं इनको वापस वहीं पर रख करके आया जाए जहां से लाया जाए लाया गया। और सब लोग जाकर के उस पत्थर के टुकड़ों को रख करके आते हैं और वो शेर का जो है दहाड़ना जो है बंद हो जाता है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। इसका मकसद ये था, ये सारी स्टोरीज आदिवासी दुनिया में इस तरीके की हजारों स्टोरी चलती, इसका मकसद ये था कि जितनी हमारी जरूरत है थी, हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ लिया, उससे मुनाफे के रूप में या उससे कुछ हमारी लालच के लिए हमने जंगलों से कुछ नहीं लिया, हमने अपनी जमीनों से कुछ भी नहीं लिया जो उससे जो हमारे जिसके हमें दरकार नहीं था। और हुआ यही कि जो लोग गैर आदिवासी दुनिया के लोग जैसे जैसे जंगल की तरफ पहुंचे, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत के साथ में पहुंचे हो चाहे आजादी के बाद में पहुंचे, उन्होंने वहां से उसको मुनाफा कमाना शुरू किया। उस हिस्से से उनको सबसे पहले फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना के नाम पर उसमें आदिवासियों की एंट्री बैन की। आदिवासियों की एंट्री बैन करने के साथ साथ उनके जो और तमाम तरीके की एक्टिविटीज थी जंगल में उनको बैन किया गया। उनको जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी फल फ्रूट वो ला लेके इस्तेमाल करे, जिनसे भी उनका लाइफ स्टाइल सर्वाइव चल रहा था, उन सबको रोक दिया गया कंप्लीटली। इवन पत्तों तक के इस्तेमाल, महुआ के पत्ते का एक बड़ा मार्केट जो है एग्जिस्ट करता है सेंट्रल इंडिया में, वो तमाम तरीके की चीजों से आदिवासियों को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उन रिसोर्सेज को लगातार मार्केट में बेचा गया और उसके जरिए मुनाफा कमाया गया, और उसी की बदौलत ये हुआ कि आदिवासियों को लगातार अपनी जमीन से खदेड़ा जा रहा। और अंग्रेजी हुकूमत के दौर से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है, ऐसा नहीं है कि आज जारी नहीं है। आप याद कीजिए कि किस तरीके से सिलगीर के भीतर पिछले 1 साल से लंबा वक्त हो चुका है जहां आदिवासी लगातार पुलिस कैंप के विरोध में, सीआरपीएफ के कैंप के विरोध में अपने जंगल को और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कैंप की जरूरत नहीं है, उन्हें कैंप नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती एक तरफ से कैंप उनके ऊपर धकेले जा रहे हैं। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का मसला नहीं है, देश के तमाम एरिया जहां पर भी आदिवासी रह रहे हैं, जहां पर भी रिसोर्सेज है, इसी तरीके से जो है उनको हड़पने के लिए नए नए फॉर्मेट में सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया हुआ।
ताकि उनके अपने जो सरकार के जो दोस्त हैं उनको मुनाफा कमाया जा सके और तो सरकार में बैठे लोग भी अपना मुनाफा बढ़ा करके रख सके। आप याद कीजिए, बहुत पहले का भी मसला नहीं है, सलवा जुडूम के नाम पर किस तरीके से ऑपरेशन ग्रीन हंट से लेकर के सब चलाए गए, अभी भी चल रहा है ऑपरेशन प्रहार समाधान के नाम पर, लगातार चल रहा है कि वहां से जहां पर भी इस तरीके का रेजिस्टेंस है उसे कभी नक्सली के नाम पर, कभी माओवाद के नाम पर, कभी किसी और नाम पर वहां से खत्म कर दिया जाए। जो लोग आदिवासियों के पक्ष में खड़े होकर के बोल रहे हैं, चाहे वो अर्बन स्पेस में हो या जमीन पर खड़े रह करके बोल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक चल रहा है। फादर स्टेन स्वामी हमारे सामने मौजूद है, उसका जीता जागता उदाहरण है। हमने अभी हिमांशु कुमार का एग्जाम्पल देखा, हम ऐसे और तमाम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, जो लोग आदिवासियों की आवाज को किसी तरीके से या उनको एक लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाई आपके कुछ राइट्स हैं इनको भी आप जाने से, उन सबको लगातार अटैक किया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये एक पूरा का पूरा एक टेंडेंसी हमको देखने को मिल रहा है। उस टेंडेंसी में ये है कि यहां से इन हिस्सों में जहां भी रिसोर्सेज अभी बचे हुए हैं उन रिसोर्सेज को लूट लिया जाए। हमें याद करना चाहिए कि अमेरिका के भीतर किस तरीके से रेड इंडियंस को खदेड़ा गया, उनकी जमीनों को छीना गया। ये वही रेड इंडियंस थे जिन्हें कोलंबस मिला था समुद्र में, और वो उठा करके उसको लेकर गया, उसको शरण दी, और उन्हीं शरणार्थियों ने वहां जाकर के अपनी कॉलोनी बना दी, और उन रेड इंडियंस को जो वहां के मूल निवासी थे, जो बाशिंदे थे, उनको आज की तारीख में यह है कि उनके सर्वाइवल के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ कि वो आने वाले वर्षों में सर्वाइव कर भी पाएंगे कि ना कर पाएंगे, क्योंकि उनके रिसोर्सेज छीन गई। और यही सिचुएशन, यही पैटर्न, सेम पैटर्न हमारे यहाँ पर भी रिपीट किया जा रहा है कि आप रिसोर्सेज छीन लीजिए उनसे, वो सर्वाइव करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो कोई बात। तो इसीलिए यह हो उन्हीं लोगों के लिए रहा है, उसी मुनाफाखोर तबके के लिए रहा है, और सरकार उसमें शामिल है। जी इसमें मैं आपसे बस इसमें एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक अटेम्प्ट है आदिवासी आइडेंटिटी को खत्म करने का? ऑब्वियसली देखिए, सिर्फ सरकारी अटेम्प्ट ही नहीं, सरकार के अलावा सरकार के जो और भी अनुसांगिक जो संगठन है, आरएसएस से लेकर तमाम तरीके के लोग, वो लगातार चला ही रहे हैं इस तरीके के। आदिवासी के कॉन्सेप्ट को ही वो एलिमिनेट, कोई तो वनवासी कह रहा है, हमारे लीगल फ्रेमवर्क में उनके लिए जनजाति टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, और अलग अलग तरीके हैं रिलीजियस कन्वर्जन के। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से कोई उन्हें हिंदू बनाना चाहता है, कोई मुसलमान बनाना चाहता है, कोई ईसाई बनाना चाह रहा है, कोई बौद्धिस्ट बनाना चाह रहा है, इवन जैनियों के, जैन बनाने के भी एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं लगातार ट्राइबल एरिया। वो एक तो रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप याद कीजिए, आदिवासी रिलीजियस रिलीजन के कोड की मांग बड़े लंबे समय से चल रही है, आजादी के बाद से ही चल रही है। आजादी के पहले तो उनके पास एक रिलीजियस कोड था जिसके जरिए को वो कम से कम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से लेकर के अपनी आइडेंटिटी को बचाए हुए, उसके बाद में उसे हटा दिया गया, उसकी जगह एक अदर का ऑप्शन आया। आज की तारीख में अदर का भी ऑप्शन नहीं, वो अदर का ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया। आप सोचिए, सरकार तो जो काम करे वो कर रहे, इस तरीके से उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर, अब एज ए आदिवासी आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपने आप को क्या क्लेम करें, मैं अपने आप को कहां लेकर के जाऊं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अदर का भी ऑप्शन हटा दिया गया, या तो मैं हिंदू लिखू। जी मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि वो आदिवासी का आइडेंटिटी ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस का बहुत साफ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक तरफ से वो ट्राइबल म्यूजियम बना रहे हैं, उन्होंने आदिवासी वुमेन प्रेसिडेंट बनाया है, तो वो चाहते हैं कि आदिवासी समाज सोचे कि उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व किया जा रहा है, पर जिस तरीका का जो आइडेंटिटी वो बनवाना चाह रहे हैं वो एक ब्रांच ऑफ द हिंदू फैमिली के रूप में उनको लेबल करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अगर उनकी कोई भी अस्मिता
होगी या कुछ भी आइडेंटिटी होगी, वो सिर्फ ये कि वो नाचते हैं तो उनकी ट्राइबल डांस फेस्टिवल्स होती है या कुछ और, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पगड़ियां पहनते हैं जब वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो एक प्योरली कल्चरल फिनोमिना जिसमें ना कोई रिसोर्सेस की कंट्रोल हो, ना खुद की रिलीजियस आइडेंटिटी हो, और ये कि वो हिंदी भी बोले, मतलब एक उनको लगता है कि अब तक आदिवासी असभ्य थे और उनको हिंदू संरचना में लाकर उनको सभ्य बनाया जा रहा है और आरएसएस की जो परिवार है उसका भाग्य बनाना चाहते हैं। तो ये मान के चलना कि वो आदिवासी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो तो सच है, पर उसके साथ साथ भी एक आदिवासी आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहा है। और दूसरी बात है कि जैसे दूसरी बात नहीं है, इस पर ही बिल्ड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी ट्राइबल म्यूजियम्स बना रहे हैं हर जगह, और बिरसा मुंडा के नाम से आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं, तो अगर बिरसा मुंडा आज होता या अलूरी सीताराम राजू और भीमा मतलब सारे गुंडाधुर, सारे जो लोग हैं जो आदिवासी हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, उनको आज फिर नक्सली बुला के बुलाया जाता क्योंकि वो भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे थे। तो मुद्दा तो शुरू से अभी तक वही मुद्दा है। पुराने वाले जो ब्रिटिश उनको गुंडा बुलाते थे, उनको विद्रोही बुलाते थे, देशद्रोही बुला रहे हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अभी उनको हीरोज बना दिए हो, और आज जो लोग लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन उनको नक्सलाइट बना के वही काम कर रहे हो जो ब्रिटिश कर रहे थे। तो बहुत क्लेवर स्ट्रेटजी है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, डबल फेस, और जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि वो किस तरह, जैसे उनके जो वनवासी कल्याण आश्रम है हर जगह ऑपरेट करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, एकल विद्यालय है, तो वो एक तरह से उनमें भी अपनापन डेवलप करते हैं कि उनके जब हॉस्टल्स में रहते हो तो फिर आपको लगता है कि यही सही लोग हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा और कोई रहा ही नहीं, मतलब जिस तरह आरएसएस ने पूरा नेटवर्क अपना चलाया है आदिवासी इलाकों में, और कोई पार्टी और दूसरे समाज ने नहीं किया है, और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कि फील्ड उनके लिए छोड़ दिया गया था। मतलब लॉज तो पास किए हैं कांग्रेस ने, बहुत सारे यूपीए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया, नरेगा पास किया, लैंड एक्विजिशन में चेंजेस लाए हैं, बहुत पेसाप एक्ट पास किया है, तो बहुत सारा कुछ किया है, पर वो एब्स्ट्रैक्ट रहा है ना। लॉज तो जब तक एक्चुअली इम्प्लीमेंट होंगे, आपको समझाया जाएगा कि आपका हक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है। और आपके गांव में किसी ने खेलकूद विद्यालय शुरू कर दिया या हॉस्टल शुरू कर दिया या कुछ कर दिया, या आप, तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है। फाइनली, अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो सरकार के अनुसार तो एसटी कंपोनेंट प्लान, एससी कंपोनेंट प्लान में पैसा दे दिया जाता है हर साल, मगर पिछले कुछ सालों से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि एसटी कंपोनेंट प्लान, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नॉन टारगेटेड जेनरिक एक्सपेंडिचर में कर दिया जाता है और उसको एसटी सब प्लान में इंक्लूड करते हैं। बट अब ये सारे गवर्नमेंट के फेलियर्स हो गए। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द आदिवासी कम्युनिटी टू प्रॉस्पर, टू प्रोग्रेस, एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव अ ट्राइबल प्रेसिडेंट नाउ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द कम्युनिटी? दिस इज माय द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। मैम, कुड यू स्टार्ट? Yeah, I think the only way forward is to keep struggling to preserve the idea of Adivasi identity. So there has to be discussion हर एक समाज में, हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में डिस्कशन होनी चाहिए कि
आदिवासी अस्मिता है क्या, उस कई जो यंग लोग हैं वो जानते भी नहीं हैं, अपनी भाषाएं को भूलते जा रहे हैं, अपनी जो रीति रिवाजे हैं उनकी फेस्टिवल्स को भूल, अपने फेस्टिवल्स को भूलकर, या तो दिवाली या क्रिसमस या जो भी सब कुछ अलग अलग मना रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए अपने जल जंगल जमीन की हक के लिए लड़ें, और शिक्षा जैसे अंबेडकर जी कहते हैं कि एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, तो वही एक रास्ता है। थैंक यू मैम। प्रोफेसर जितेंद्र जी, जी देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता तो ये वो सवाल ये था, आदिवासी प्रेसिडेंट के बनने के बाद में किस तरीके के हम एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं। तो देखिए, इस देश में शेड्यूल फिफ्थ का जो एरिया का जो आइडिया है उसका कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लास्ट अगर हम लोग लगभग 7-8 सालों से देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए हर एक स्टेट में जो गवर्नर्स हैं वो असिस्ट करते हैं, एनुअल जो है रिपोर्ट उनके पास सबमिट करते हैं, और हर एक गवर्नर के पास एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। पिछले 8 सालों में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम स्टेट्स में अभी तक जो है हम देखते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी गठित नहीं की गई है। झारखंड के केस को अगर हम छोड़ दिए, नहीं किया गया, जबकि ये मैंडेटरी था, कंपलसरी था कि आप एनुअल बेसिस पर इसका जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन रिपोर्ट्स के आधार पर फर्दर प्लान्स बनाएंगे इन शेड्यूल फिफ्थ एरियाज के लिए जो कि मेनली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज थे। जहां पर भी ये हम लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जो चल रहे हैं, जहां पर भी लूट मची हुई, तो सबसे जरूरी चीजों में वो ये है कि अब हमें जो है एक आदिवासी प्रेसिडेंट मिली है, तो कम से कम ये हो सकता है कि पहले वो एक तमाम गवर्नर्स को एक आदेश ये दें कि भाई आप अपनी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसको बनाएं, आप रिपोर्ट सबमिट करें एज सुन एज पॉसिबल कि आप बताएं कि आपके स्टेट में चल क्या रहा है, क्योंकि 8 सालों से रिपोर्टें सबमिट नहीं हुई है अभी, और जब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो पार्लियामेंट के भीतर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। आपको जानकर के हैरानी होगी, पिछले कई साल से जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उसने आज पिछले कई सालों में एक भी सवाल पार्लियामेंट के अंदर नहीं भेजा है या अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है कि क्या उस कमीशन ने अब तक किया है, वो किस तरीके के क्वेश्चंस को डील कर रहा है, क्या उसके सामने चैलेंजेस है, और अब तक कितना कुछ किया है उसने, या कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी उसने पाले, जबकि ये जरूरी था कमीशन अपनी रिपोर्ट एटलीस्ट सबमिट करता, नहीं किया, कई साल हो चुके। तो जितनी भी ये बॉडीज हैं, स्ट्रगल ग्राउंड पर चल रहा है और वो चलेगा जब तक इस तरीके के हालात नहीं, वो स्ट्रगल चलेगा, लोग लड़ेंगे। आदिवासी अगर हम लोग देखें परंपरा में अपने रिसोर्सेस को बचाने के लिए लड़ाइयों की बड़ी लंबी परंपरा रही, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ही देख लें तो तिलका मांझी से शुरू हो जाता है अंग्रेजों के आने के 20-25 साल बाद, और अभी तक चल रहा है, तो वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये जो उम्मीद कर सकते हैं कि आदिवासी प्रेसिडेंट के मिलने के बाद कि आप कम से कम इस मामले को देखें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको जिस देखिए, सिर्फ इतना मसला नहीं है, ये एरियाज को आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 47 सांसद मौजूद हैं इस देश में विधानसभा में जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं, कम से कम 47, क्योंकि इतनी सीटें रिजर्व है। 487 के आसपास डिफरेंट डिफरेंट असेंबलीज में एमएलए इलेक्ट होकर के आते हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से, लेकिन उन सबको अगर हम लोग ने उसके बावजूद भी सिचुएशन जस का तस, तो बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने तरफ से एक एक्शन ले कि भाई इन ट्राइबल एरियाज में जो कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट उन तक पहुंचे, और उसके बाद उन लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक्शन लिया जाए। अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो मॉडिफिकेशंस की बात चल रही है उस पर भी रोक लगाए। जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। एंड मैं सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपको ये हमारी कॉन्वर्जेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं आप
कि क्या ओपिनियन है इस इन इश्यूज पर. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. जय जोहर. थैंक यू.